अनिल जी हैं, ये हम अनिल जी से कुछ बात करते हैं। अनिल जी, इस तरीके बाबा साहब के जो कार्यक्रम होते हैं, बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं या 26 नवंबर आ रहा है अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन के बाद में, कि बगैर किसी के निमंत्रण के लोग वहाँ पहुँचते हैं, ना किसी का निमंत्रण की होती है, सब लोग पहुँचते हैं। सर, ऐसे पर्वों पर तो लोग आ जाते हैं फिर उसके बाद में बाबा साहब को भूल जाते हैं, ये क्या कारण है? बाबा साहब का कोई भी पर्व होता है, कोई फंक्शन है, हम आते इसलिए हैं क्योंकि बाबा साहब में हमारी आस्था है, और हम भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि जो बाबा साहब ने हमें कहा है, बताया है, वो हम उसको समझते नहीं हैं, उसको हम करते नहीं हैं। अगर बाबा साहब के बताए मार्ग पर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम प्रोग्रामों में तो इकट्ठे होंगे ही होंगे, लेकिन उसके बाद भी बाबा साहब के प्रति जो उन्होंने बताया उसके प्रति हम सचेत रहेंगे और हम निरंतर एकजुट होकर रहेंगे। ऐसा देखने में अक्सर हमें कम आता है क्योंकि बाबा साहब के बताए मार्ग पर जो उन्होंने हमें आरक्षण का लाभ दिया है, और भी जाने कितने हमें जो है बहुआयामी उन्होंने हमें लाभ दिए हैं जिनको ले लेके आज हम ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, तो ऊंचे पदों पर जाने के बाद में हम बाबा साहब के जो बाबा साहब ने कहा था कि आपको अपने अमल में ये चीज़ लानी है, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएँ दी उनके बारे में हमें विस्तार से बताया, लेकिन हम उन चीज़ों को मानने के लिए बिल्कुल भी अपने आप को बाध्य नहीं करते, और यही कारण है कि हम निरंतर जो हमारी स्थिति आज से कई सालों पहले थी हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम आज इस प्रोग्राम की बात करें तो आज से अगर 4-5 साल पहले अगर हम ये देखें तो हमारे प्रोग्रामों में कभी भी ऐसी कोई भव्यता नहीं होती थी, लेकिन ये यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया के माध्यम से आज हम ऐसे आयाम पर पहुंच चुके हैं कि ऐसे प्रोग्राम आयोजित करना एक मील का पत्थर बन चुका है। इस प्रोग्राम में सम्मिलित होना हर एक के लिए बहुत ही अच्छी बात समझता है वो अपने, कि वो यहाँ आए, इस प्रोग्राम में भाग ले, इस प्रोग्राम को सुने, तो बहुत अच्छा मैसेज है। तो बाबा साहब के पदचिन्हों पर कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ संस्था चल रही है, और यही कारण है कि आज हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम बाबा साहब के दे पा रहे हैं।